हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस क्लीनअप के लिए होममेड स्क्रब कैसे बनाएं। यह स्क्रब सर्दियों में हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसका इस्तेमाल हमारे चेहरे से डेड सेल को रिमूव करता है, डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है और फेयर बनाता है। तो चलिए देखते हैं इस स्क्रब को कैसे बनाना है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस स्क्रब को बनाने के लिए मैंने लिया है गुलाब और इसके पेटल को मैंने अलग कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नारियल और नारियल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम, देन कच्चा दूध लगभग एक चम्मच और इसके बाद मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और इस पेस्ट को मैं एक साफ़ कटोरी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग एक चम्मच शहद और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसे अपने चेहरे पर लगाना है और लगाकर 5 मिनट तक मसाज करना है हल्के हाथों से, और मसाज करने के बाद इसका दूसरा लेयर अपने चेहरे पर लगाना है और लगा के लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और 10 मिनट बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है और इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने पसंद का लगा ले। ट्रस्ट मी गाइज, मैं इसका पर्सनली यूज करती हूँ और यूज करने के बाद जब मैं इसे पानी से साफ़ करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा स्किन बिल्कुल सॉफ़्ट हो गया है और मुझे कोई मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यह स्किन को इतना सॉफ्ट बना देता है और साथ साथ ग्लोइंग भी बना देता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।